देवभूमि हिमाचल से शिक्षा के जगत की शर्मसार करने वाली तस्वीरें जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत चंगर क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक पाठशाला मजारी 2 से आई हैं। एक तरफ प्राथमिक पाठशाला है, साथ में ही आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां पर सर्दी के मौसम में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे नंगे पांव स्कूल के समीप बने गंदे नाले को पार कर पहुंचते हैं। एक तरफ ठंड का मौसम और दूसरी तरफ गंदा नाला बीमारियां फैलाने का खतरा पैदा कर रहा है। कई वर्षों से स्कूल के समीप बने एक गंदे तालाब का पानी अब सड़क के बीच भी आ गया है, लेकिन शायद प्रशासन को, शिक्षा विभाग को और हिमाचल सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन वर्ग का कहना है कि स्कूल के समीप बने गंदे नाले के बारे में प्रशासन, शिक्षा विभाग और सरकार को कई बार अवगत करवाया है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरे स्कूल आंगनबाड़ी के पास गंदा पानी बहुत खड़ा है। छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं और वो जराबे और बूटे तार कर आते हैं। सर्दी बहुत है, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे भाई यहाँ पर आके मौका देख के सफाई कराई जाए। हमारे स्कूल राजकीय प्राथमिक पाठशाला मजारी 2 में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी गंदा पानी जमा हुआ है। सभी बच्चे तकरीबन जुराबें जूते उतार कर ही स्कूल में आते हैं। पानी इतना गंदा है, कोई भी बच्चा बीमार हो सकता है अगर गिर जाए इसमें, तो इतना गहरा टूबा है कि निकल नहीं सकता उसमें से। तो आपसे यही विनती है कि इस समस्या का हल करें और हो और इस गंदे पानी से होकर बच्चों को इन सर्दी वाले दिन में भी बूट उतार कर और जुराबें उतार कर स्कूल में आना पड़ता है, जिससे काफ़ी बच्चे हमारे बीमार हो गए हैं और बीमारी इस गंदे पानी के कारण बीमारी भी फैल रही है। मेरे स्कूल के प्रांगण में भी गंदा पानी आ जाता था और मैंने यहाँ पे 2 ट्राली मिट्टी की फेंकवा कर इसको बंद किया। बच्चे टोबे के नाले बहुत अच्छे टप्पण पढ़ने की सच्चाई की कार्रवाई की जाए, बच्चों को बीमारी से बचाया जाए। मजारी सेकंड मैं पाठशाला में साथ बह रहे गंदे पानी की शिकायत के बारे में पाठशाला प्रशासन से संपर्क किया गया तथा पाठशाला के मुखिया को वहां की स्थानीय पंचायत और स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से समस्या का हल करने के लिए कहा गया है। अभी गंदा पानी खड़ा हुआ है, हमें पानी के बीच से आना पड़ता है, हमें स्कूल आने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे स्कूल के आगे गंदा पानी खड़ा है और हमें दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत होती है, हमें सर्दी में बूट खोलने पड़ते हैं।